बच्चे बहुत ही बाहर की पैदा जब हम आएंगे जनवंशी बदल साढ़े
साढ़े मेयर साहब पन्ना लाल पाटिया जी, वेलकम है सर, जय माता दी। हाँ साढ़े आशीष वीर जी, एक्स एम एल ए अमित वीर जी के छोटे भाई आशीष वीर जी, वीर साहब जय माता दी जी। साढ़े रमन हांडा जी भी साढ़े बिच ने, उन्होंने भी जय माता दी करी बन्ना जी। साउंड ऑडियो वे प्लीज साउंड। हाँ जी बाजी जी, दो मेन जी, दो डबल, दो मेन, दो कोर्स और एक स्टैंड। ओके ओके, दो मेन, दो कोर्स, एक स्टैंड बाजी। जय माता, जय माता, मेरे वाला भी ला लो बाजी, ये ठीक है। हेलो, इसकी थोड़ी आवाज बढ़ाओ थोड़ी। श्री दिव्य नंद जी, जय माता दी जी, साढ़े बिच हाजरी पा रहे, आशीर्वाद साढ़े भगत लैन गए। जय माता दी जी, जय माता दी, जय माता दी माँ। हेलो, भैया दो कोरस, एक स्टैंड भी। कोरस खोलो, खोल दिया, देखो कोरस। हेलो हेलो हेलो, ठीक है, हेलो, कोरस बढ़ाओ थोड़ा। हेलो हेलो हेलो, थोड़ा और बढ़ाओ। हेलो हेलो, ठीक है, हेलो, ओके, हां हां, ठीक है, बताओ एक बार प्रेम से कहिए जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, फिर से कहिए जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, फिर से कहिए जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, फिर से कहिए जय माता दी, जय माता दी, फिर से कहिए जय माता दी, जय माता दी, फिर से कहिए जय माता दी, जय माता दी। हमने बाबा श्याम का नाम तीन बार लिया और महारानी का नाम तीन बार लिया, क्यों? क्योंकि तीन लोक है और तीनों लोक की तीन प्रीने देवियां, जिनका नाम माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी, जिनकी कृपा से बाबा को तीन बाण प्राप्त हुए और बाबा का नाम पड़ा तीन बाण धारी की, और जिनकी कृपा से ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, उनका जिकारा हो जाए, जिकारा श्री बलिदान। शोर ऐसा हो आज कीर्तन सरने में हो, आवाज माँ वैष्णो देवी तक जाए, जयकारा श्री बलिदान। भैया ये वाले मेन माइक की आवाज थोड़ी बढ़ा दो। हेलो 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 हेलो, मैं कहीं भी कीर्तन जागरण करता हूँ तो सबसे पहले गणपति गणेश महाराज जी को बुलाता हूँ, क्योंकि उनके बिना मेरा ये जागरण अधूरा है, और ये 5-10 मिनट में अपने लूंगा, उसके बाद सारा टाइम आपके लिए। बोलिए गणपति गणेश महाराज की। श्री श्याम देवाय नमः, सिमरा माता
Oh,
प्रसाद है भाई, पीने दो, हम तो पिएंगे। किसने कहा, कब कहा, किस वक्त कहा, मुझे कोई ग्रंथ किताब चैप्टर का पेज खोल के दे दीजिए जिसमें लिखा हो कि भोले बाबा का प्रसाद भांग है। कहाँ लिखा है? वो तो गोरा मां ने भोले बाबा को कहा कि मुझे आपके नाक से डर लग रहा है, तो भोले बाबा ने अपना नाक उठाकर जिस धारा पर रखा उस धारा पर भांग उगाई। इसलिए भोले बाबा को भांग प्रिय है, पर कुछ कलाकारों ने अपनी फिलोसफी निकाल दी। हमसे पूछ के देखो, भाव का अकेला श्रृंगार होता है और बेलपत्र का श्रृंगार होता है। ये लोगों ने पता नहीं कौन सी बातें बना दी, ये सनातन को भटकाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत से ऐसे भटकाने की कोशिश करते आए हैं, पर कभी काम नहीं हो पाया क्योंकि महारानी बैठी है। कौन कौन भोले बाबा को मानता है? ऊंचे ऊंचे हाथ उठाकर मिलकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शुक्रिया लोग कहते हैं
याद करूंगा, आप अपने मित्रों को याद कीजिए मिलकर। क्या बोलेंगे? बोलिए पिताजी महाराज की। संदेशा होता है तो न्यू यंग क्लब पर माँ के भक्तों के ऊपर माँ का संदेशा हुआ है, तो इसलिए जागरण हुआ है। तो जोरदार तालियां, जोरदार आवाज आनी चाहिए। जय हो। अब न्यू यंग क्लब ने सरना ने इतना प्यारा जागरण करवाया है, तो आइए महारानी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जागरण में आकर उन्होंने रंग भरा। आइए महारानी को शुक्रिया अदा करते हैं, क्या कहेंगे? ताली साथ में बजे। मेरी मैया ने कैसी सौगात दे दी जागरण के लिए सारी रात दे दी। बोलिए सचिन मार की। मेरी मैया ने कैसी सौगात दे दी, मैया ने कैसी सौगात दे दी सारी रात दे दी।
Oh,
सितारे लगे हुए रे,
Yeah.
लाल लाल।
माँ चिंतपुरी से चुनी मिली है, तब से माँ ने ऐसी कृपा की है, पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, पूरे सच्चे दरबार की चिंतपुरी माँ की। अच्छा बताइए कौन कौन खाटू जाता है? हाथ उठा के बताइए, खाटू कौन कौन जाता है? हाथ उठा के बताइए, बहुत कम लोग हैं। कोई बात नहीं, आज महारानी के जागरण में आए हो ना तो बाबा शाम का दीवाना बनाकर ही छोड़ेंगे। खाटू कौन कौन जाना चाहता है? अब किस चीज का मन है खाटू जाने को? और याद रखना, अब जो भजन गाने जा रहे हैं वो आपकी हाजिरी होगी, जो खाटू जाना चाहता है वो भजन के साथ भाव जोड़ लेना और हमारा चेहरा नोट कर लो, नंबर तो हमारा हर रोज होता है। अगर हाजिरी पूरी हुई तो इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते खाटू। ये भजन नहीं, ये अर्जी होगी, सच्चे मन से लगाना। पर ये एक शर्त की तरह है, बाबा के दरबार में उनका भजन लगेगा तो साथ में नाचना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ बाबा शाम का कीर्तन होता है वहाँ नाच कर हाजिरी लगती है। नाचने से शर्माओगे जरूर, तो साथ में पड़ोसी बैठा होगा, पर बाद में नाचने से जो कृपा आएगी वही पड़ोसी कहेगा कहाँ से आई इधर। और जो भी तक खाटू नहीं गए ना वो ये भजन जरूर बोलना, भाव के अंदर ही आप खाटू भी पहुंच जाओगे। इस भजन में कुछ ऐसा है कि बाबा की कृपा से हम पहले 3 बार कहते थे, अब 4 बार ट्रेंडिंग में आ चुका है और अभी भी इंस्टाग्राम पर ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। बाबा की कृपा इस भजन पर इतनी है, तो अगर आपने ये भजन पर भाव लगा लिया तो आप खाटू जाओगे और आपकी बिगड़ी जरूर बनेगी। कौन कौन चलेगा खाटू? हाथ उठाकर बताओ, जय हो, मिलकर नाचना भी पड़ेगा। Yeah.
करना वाले मंडल वाले भाई हैं, मेरी आपको अरदास है कि बाबा आपको जल्द से जल्द खाटू जरूर बुलाएगा और आपकी बिगड़ी जरूर बनाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ अगली बार जब भी महारानी का जागरण हो तो बाबा शाम का दरबार साथ में लगे। जब यहाँ से भक्त खाटू जाएंगे तो मेरा मन है कि आप बस यहाँ से लेके जाए। उसी का दीवाना हुआ सारा संसार है, मैं कैसे बचे जाऊं, ये तो उसका प्यार है। उसी का दीवाना हुआ सारा संसार है, मैं कैसे बचे जाऊं, ये तो उसका प्यार है। उसी का दीवाना हुआ सारा संसार है, मैं कैसे बचे जाऊं, ये तो उसका प्यार है। ओ लेके बाहों में कर प्यार जिसका इंतजार, तेरे वो तारे, हम तो वो ही कारण हैं।
सबसे बड़ी बात। कुछ लोग कमजोर दिल के होते हैं, अपना दुख किसी और को सुना देंगे, पर वो जो दुख किसी और को सुनाया है उसका वो मजाक बनाएगा, आगे चार लोगों को और सुना देगा। दुख है चाहे सुख है, सीधा महारानी के बाबा के दरबार पर आया करो, क्योंकि बाबा महारानी सुख के भी साथी है, दुख के भी साथी है। खाटू तेरी नगरी का
तक ताली मार दो यार, ताली मार दो सारे। मां बद्री काली दी इन्नी इन्हों उपर हथ है, इन्हों माता जी भी अनमोल जी इन्होंने फादर ने, एक ताली मार दो इन्होंने, पूरा परिवार ही रंगिया पे, ताली मार दो। रोशन प्रिंस जी के मजिशियन साढ़े को आ गए ने, इन्हों की वंदना, उन्होंने भी टाइम देना, इस तो बाद उन्होंने टर्न है, उन्होंने वारी है, मजिशियन आ गए ने, रोशन प्रिंस जी साढ़े बीच आ चुके ने। उस तो पहला जदवंशी ब्रदर्स उन्होंने लास्ट वंदना, जय माता दी। देखो देखिए हमारे पास भी लिमिटेड सा टाइम है, और भी कलाकार आएंगे, रोशन प्रिंस जी आएंगे, महारानी का गुणगान करेंगे, महारानी को रिझाएंगे, बाबा श्याम को रिझाएंगे, सियावती रामचंद्र महाराज को भी रिझाएंगे। तो देखिए मेरी लास्ट वंदना होने वाली है, तो जाते जाते एक बार सभी ने अनंत में झूमना है। अब कौन कौन नाचेगा? देखो वो ही नाचेगा जो बाबा का भगत हो, हाथ उठा के बताओ। जब से कीर्तन शुरू हुआ है हम तब से नाच रहे हैं बाबा के लिए, आपके लिए। अब लास्ट वंदना है, एक बार नाच लीजिए, नाचने से हाजिरी लगती है, आपका काम बनेगा, हम आपके फायदे के लिए कह रहे हैं। कौन कौन नाचेगा? हम तो नाच ही रहे हैं, हमें पता है क्या फायदा होता है, जो नाचेगा उसे भी पता लग जाएगा। जय हमारे आगे वाले भाई सारे ताली भी बजा रहे हैं और माँ का गुणगान भी कर रहे हैं, पर मैं आगे वाले भाइयों से भी कहूंगा कि अब लास्ट वंदना है तो एक बार हमारे लिए, महारानी के लिए, बालाजी महाराज के लिए एक बार नाच लीजिए, क्योंकि महा के दरबार में, बाबा श्याम के दरबार में नाच कर ही हाजिरी लगती है। आइए मिलके, क्योंकि जहाँ पर महारानी का जागरण होता है, बाबा श्याम का जागरण होता है, वहाँ पर बालाजी महाराज को ना बुलाया जाए तो जागरण थोड़ा सा अधूरा सा लगता है। क्यों यंग क्लब ने इतना प्यारा जागरण कराया है, आइए उनके जागरण में थोड़ा सा और रंग भरते हैं। और क्या कहेंगे, अच्छा।
बहुत चलेगा। अब कौन कौन चलता है इसके कारोबार से? क्योंकि हम ना गा हुआ है तो हमारे मन में थोड़ा सा
अधूरा रहेगा। हमारे मजिशियन भाई भी आ चुके हैं प्रिंस भैया के, तो थोड़ी सी लाइनें अपने हिंदू धर्म के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए। शोर मचाकर बताना पड़ेगा, मिलकर बोलिए जय श्री राम। सवाल होता है कि आप ये दो घड़ियां क्यों पहनते हो, क्योंकि अभी लोग भी पहनने लग गए हैं। हम दो घड़ियां इसलिए पहनते हैं, हमें घड़ियां बहुत पसंद है, जहां बाबा के प्रेमी, जहां हमारे फैन हमें घड़ियां गिफ्ट करते हैं। कोई भक्त उत्तराखंड से भेजता है, कोई असम, कोई मध्य प्रदेश से, इतनी दूर से घड़ियां भेजता है, हम वो दोनों हाथ में पहन लेते हैं, क्योंकि इतनी दूर से हाजिरी तो लग नहीं पाएगी। अलग अलग शहरों में जाते हैं, उस भक्त की इतनी दूर से हाजिरी लग जाए, और जब जब उसकी गरीब है समा देखिए, उस भक्त का समा अच्छा है और खुद का समा अच्छा है। और दूसरे आजकल के लोग भूल गए हैं घड़ियां पहनना, भूल गए हैं। हमारे बुजुर्ग घड़ियां पहनते थे, कारोबार क्या चलता था, आज हम भूल गए हैं पहनना। समय मोबाइल दिखाया निकाला फिर जेब में, अपने समय को कैद कर रखा है। समय खुला होगा, हाथों में बहना होगा, खुला अच्छा चलेगा। और हाथों में घड़ियां पहनिए और सदा खुश रहिए, और बाबा की कृपा से ये पूरी दुनिया में हमारे अलग यूनिक सा स्टाइल बनाए। सच्चे दरबार की। अच्छा कुछ लोग ना अभी कौन कौन मुझे लड़की समझे ये भी बता दो, हाथ खड़ी कर लो। मैं लड़की नहीं, मैं लड़का हूँ, तो क्योंकि ये मेरे बालों का स्टाइल ही कुछ ऐसा है, हमने ऐसे मेरे मन में आया कि मैंने बालों का स्टाइल रख लूँ, तो ये पूरी दुनिया में फेमस हो गया। कुछ लोग तो, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ लोग तो नकली बाल लगाते हैं, बड़े 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 कलाकार लगाते हैं, तो बस बाबा की कृपा से मैंने तो ओरिजिनल ही लगाए। ये तो महारानी की कृपा है। और बताते जाते एक लास्ट लाइन कि खुश रहा करो, जैसे आज खुश हो ना वैसे हमेशा खुश रहा करो। कुछ कलाकार आके स्टेज पर रोने लगेंगे और भक्तों को भी रुलाएंगे, रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जब महारानी के दरबार में, बाबा श्याम के दरबार में जब आप खुश होते हो ना और अपने घर में भी खुश रहते हो, तो महारानी सोचती है कि मेरा बेटा खुश है, मैं बहुत खुश हूँ। महारानी भी खुश होगी और आप भी खुश होंगे। वृंदावन में कहते हैं जो हंसेगा उसका घर बसेगा, जो रोएगा वो खोएगा। हंसते हुए ताली बजा कर कहिए बोले भक्ति में हरिलाल की। आज का जय माता दी, जय माता दी। हुआ
दो जल्दी सरने में दोबारा आएंगे। किस किस को लगता हम सरने में दोबारा आएंगे? ताली मार, ताली भी रुकनी चाहिए, ताली मारी जाए बच्चे वाली, ताली मारी जाए। जदुवंशी ब्रदर्स इन्होंने माँ बोलते हैं।